हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये फिगर दे रखी है आपको, इस फिगर में दे रखा है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, पी क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है कि टेन पी माइनस में कोट आर की वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें इस ट्रायंगल के अंदर दो वैल्यू दे रखी है, ये और ये, हमें ये वैल्यू भी निकालनी है तब हम क्वेश्चन को पूरा कर पाएंगे। तो पहला हमारा स्टेप यही है। तो पहला स्टेप जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे बाय पीजीटी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 13 सेंटीमीटर। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू पता है हमें, एक की वैल्यू नहीं पता, तो हम एक की वैल्यू तो लिख सकते हैं ना कम से कम, 12 स्क्वायर प्लस बी नहीं पता, बी स्क्वायर। यहाँ पे सोल्व करो, 13 हो गया 169 प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस में आ गया बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी जो कुछ भी भाई बंधु इनके पास बैठे हैं, जितने भी पड़ोसी बैठे हैं, उन सबको बगल वाली कॉलोनी में भेज देना है, इनको उठा के इक्वल टू के इधर भेज दो। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आपको 169 में से 144 गया, आपके पास बचेगा 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को हटाओ, इसकी स्क्वायर को हटाओ, स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ पे हमारी 5 वैल्यू आ जाएगी बी की, बी की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि हमारे को पास इसकी जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर आ गई। बच्चों अब हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू हमारे पास हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमसे पूछा गया है टेन पी माइनस कोट आर। तो बच्चों पहले टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट करें। टेन पी, पी बोला गया है, ध्यान रखें इस बात का, पी बोला गया है। अगर पी बोला गया है तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ट्रायंगल हमारे पास वो सेम ही बनेगा, ये वाला पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। जब ऐसा हुआ कि यहाँ पे पी दे रखा है, तो हमें पता हो जाना चाहिए कि हमारा जो एंगल बनेगा वो पी पे बनेगा। ये मैं पिछले लेक्चर में दिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो जब इस पर ये एंगल है, इस पर 90 डिग्री है, इस पर एंगल है, इस पर 90 डिग्री है, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इधर, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बेस हमारा ये बनेगा, ये पी बनेगा, हमें पता है टेन पी की वैल्यू निकालनी है। तो टेन जो होता है वो हमारा होता है पी अपॉन बी के बराबर। तो हम यहाँ पे टेन पी की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि टेन पी बराबर होता है पी अपॉन बी के बराबर, यानी कि पंडित भैया पी के बराबर। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है बच्चों, ये है, कौन सा है, ये है, क्यों, क्योंकि ये तो बेस हो गया, तो बचा कौन सा, परपेंडिकुलर बचा, और ये तो हाइपोटेन्यूस होता ही है, तो पी अपॉन बी होता है। तो यहाँ पे पी हमारा 5 है, मैंने 5 रख दिया अपॉन में, बी हमारा 12 सेंटीमीटर, तो मैंने 12 रख दिया। ये तो हमारी आ गई टेन पी की वैल्यू। अब हमें निकालनी है कोट आर की वैल्यू। तो कोट आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो ट्रायंगल बना वो सी ट्रायंगल में चेंज आएगा कुछ, पी क्यू आर, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो अगर इन्होंने बोला है कोट आर, तो कोट आर का मतलब है बच्चों कि एंगल आर पे बना हुआ है, और यह 90 डिग्री बना हुआ ही है। अगर एंगल आर पे बना हुआ है, ये 90 डिग्री बना हुआ है, तो बेस ये होगा, ये आपका बेस होगा, ये दूसरे वाला आपका परपेंडिकुलर बच जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस तो होता ही है। तो हम कोट आर की वैल्यू निकालते हैं। कोट आर क्या होता है, कोट थीटा, यानी कि कोट थीटा की क्या होता है, बी अपॉन पी होता है, क्या होता है, बी अपॉन पी। अगर ये बी अपॉन पी है तो यहाँ देखो फिगर में बी कौन सा है, 5 है, तो 5 रख दो अपॉन में, पी कौन सा है, 12 रख दो। अब हमारे पास कोट आर की वैल्यू आ गई है, टेन पी की वैल्यू आ गई है, कोट आर की वैल्यू आ गई है। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या
दे रखा है। क्या निकालने के लिए बोला था, टू फाइंड, क्या फाइंड करेंगे हम, टेन पी माइनस कोट आर। हमारे पास टेन पी की वैल्यू आ गई है, टेन पी की वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है 5/12 आ गई है। क्या आ गई है, टेन पी की वैल्यू 5/12 आ गई है। क्या आ गई है, 5/12 आ गई है। और माइनस कोट आर की वैल्यू क्या आ गई है, कोट आर की वैल्यू ये भी 5/12 आ गई है। तो 5/12 माइनस 5/12 दोनों सेम वैल्यूज हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो हमारा आंसर क्या आया, जीरो। आई होप कि आपको आज समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे निर्माण स्टडी टाइम के YouTube चैनल पे सर्च कर सकते हो, निर्माण स्टडी टाइम का Facebook भी है हमारा। अगर तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमें इस फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आप चाहते हैं कि आगे भी यहाँ से लेक्चर रिसीव करते रहें, तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम और अच्छे से लेक्चर बनाने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छा, इजी से इजी आपके लिए लेक्चर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।